नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत करछि मिनलिमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। आईपीएल क्रिकेट रे पसला कोरोना, कोलकाता टीम रो दुई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव, आज हेबा कोथिबा मैच स्थगित। कोरोना रे स्वामी को मृत्यु परे जीवन हारले पत्नी, नयागढ़ टांगी पटना रे अभावनीय घटना, किछि दिन पूर्वे अंडामान निकोबरु फेरिथिले नवविवाहित दंपति। राज्य में कोरोना काया, आज 8914 संक्रमित चिन्हट, खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 1258 पॉजिटिव, चार जिले में 500 ऊपर संख्या, पुणी पांच मुंड नेला महामारी। आज राजधानी में 18 वर्ष ऊर्ध को कोविड टीकाकरण, सकाल 8 गोटाए मध्य नहींपरेंगे वैक्सीन, सांबादिक सम्मुख योद्धा घोषणा पर टीकाकरण स्वतंत्र व्यवस्था। जमीवाड़ी युवकों मरणातक आक्रमण, ठेंगारे बाड़े लहु लुहान कले पड़ोसी, मयूरभंज पुरुणा बारीपदर अभावनीय घटना, गुरुतर युवक उदल डाक्तरखाना भर्ती। एवं धान कटा को नहीं तुम्लकांड, पुओ को रसी में बांधिला बापा, बिलरे भाउज को गोड़े गोड़े पिटिला दिअर, बालेश्वर आसला अभावनीय दृश्य, दुई जन को उद्धार कला पुलिस। आईपीएल क्रिकेट रे पसला कोरोना, कोलकाता टीम रो दुई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती, आक्रांत चिन्हट पर आज होगाक मैच को स्थगित रखा जाइछि। आज कोलकाता और बेंगलुरु मध्य टक्कर होबार थिला। ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही आम प्रतिनिधि सुशांत साहू। सुशांत, निहाती भाव में आईपीएल प्रेमी को पाई गोटे बड़ झटका, कारण आईपीएल जो भाई भाव में रोमांच खेलुला, कम से कम कोरोना समय लोकों पर गोटे एंटरटेनमेंट थी, किंतु कोरोना जो भाई भाव में काया विस्तार कर बात पड़ना खिलाड़ी, जदिव अनेक प्रोटोकल भितर से रोचार अनेक प्रकार प्रिकसन नौकरी, कितु कोलकाता टीम रे दुई कोरोना पॉजिटिव पर बर्तमान मैच कैंसल, अपडेट कौन रही है आपके सुशांत? आईपीएल प्रेमी रही गोटे दुखद खबर, आपण जानते पूर्व वर्ष आईपीएल महामारी कोरोना पाई ठीक समय हो पार्ला, भारत में खेला न जाए यूएई को स्थानांतरित कर यूएई रे से खेला जाता, किंतु 2021 जिते आप जानते भारत में एथर जो इंडियन प्रीमियर लीग हो, तेणु किसीटा विदेशी खेला जेहेतु भारत में जो भाई कोरोना काया विस्तार कर देखी एक प्रकार सेफ मानि नथिले। आपण जानते पूर्व दुज जो रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दुई खेला आडम जापा और केन रिचार्डसन, सीए स्वदेश फेरी जाते, सहित राजस्थान रॉयल्स दल जो थे लायम लिविंगस्टोन, सीए निज देश को प्रत्यावर्तन कर सहित महामारी कोरोना जो भाई भारत में काय विस्तार करेक विदेशी खेला से रिप्लेसमेंट खेला भाव दल में जयन करने को राजी होना, ता सहित पूर्व कथा कह जब आईपीएल आरंभ हो ना से दुई जन खेला दिल्ली डेयरडेविल्स अक्षर पटेल, ता सहित आरसीबी रो बैट्समैन जे रही ओपनर बैट्समैन देवदत्त पाडिकल, से कोरोना पॉजिटिव होते हैं, से बर्तमान सुस्थ हो दल सहित जयन कर सारी। या पूर्व मुंबईर जो रही वांखेड़े स्टेडियम, वांखेड़े ग्राउंडसमैन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होते हैं, ता सहित बीसीसीआई से कितु एम जेहेतु चिन्हट हो सारी, कितु एम को अलग आइसोलेसन रखा मात्र मैच चलो, कितु बर्तमान जहाँ खबर पहुंची गोटाए कैंप्रु केकेआर कैंप्रु जो दुई जन खेला रही स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, ता सहित फास्ट बोलर संदीप वारियर, दुई जन खेला जिते आहत समस्या पर स्कैन करने को जाते स्कैन करने को जा समय कोविड संक्रमित थिबा सूचना मिली, तेरे से सूचना मिलवा पर बर्तमान अलग आइसोलेसन में रखा जाता, सहित जो मैच टी आज हबार था नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम से स्थगित रखा जाता गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग, कारण जदि मानने टीम जेकोसी टीम बर्तमान क्यांप्रे जदि कोरोना पहुंच बहु संख्यार से खेला रोचान तेरे से संक्रमित होवार मानने संभावना रही, दृष्टि रखी यह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई को एक पत्र लिखी, तेज आगामी दिन में बीसीसीआई कौन निष्पत्ति नौची आईपीएल अधारू बंद कर किंबा आईपीएल जमी चली रहा बीसीसीआई निष्पत्ति निर्भर कैर नीलिमा भाव गोटे
खराब खबर जो मैंने क्रिकेट प्रेमी रही खास कर आईपीएल प्रेमी आईपीएल चलुवा समय बर्तमान खबर गोटे आबर कि कोलकाता टीम जेहेतु दुई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव सहित मत किसी ग्राउंडमैन पॉजिट रही सूचना रही तेणु आज जो मैच पड़ा स्थगित रही तेज देखार कथा जदि बर्तमान कोलकाता टीम दुई खिलाड़ी कोरोना पॉजिट बाहरी अन्य परवर्त मैच गुड़िका ना कैनसल हो आउ किसी पदक्षेप निया पर समस्त नजर धन्यवाद सुशांत इरोटलम प्रतिनिधि सुशांत साहू। राज्य में कोरोना काया आज 8914 संक्रमित चिन्हट होती खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 1258 पॉजिटिव बाहर कटक 587 सुंदरगढ़ 592 पुरी 530 संबलपुर 520 जन आक्रांत चिन्हट होती सुंदरगढ़ संबलपुर कटक पुरी रे संख्या 500 ऊपर रही 27 जिले में 3 अंक पर रही संक्रमण संख्या से बरगढ़ 452 नवरंगपुर 433 चिन्हट होती पुणी 5 मुंड नहीं महामारी भाइरस आजठू राजधानी में 18 वर्ष ऊर्ध को कोविड टीकाकरण तृतीय पर्याय टीकाकरण में 18 44 वर्ष वर्गर लोके नहीं पारे टीका प्रति स्वास्थ्य केन्द्र में 200 जन को टीका दिज्व 18 44 वर्ष वयस्कों को सका 8 गोटाए पर्यंत 45 ऊर्ध को अपराह 3 6 पर्यंत दिज्व टीका तृतीय पर्याय टीकादान बीएमसी पक्ष व्यापक प्रस्तुति कर राजधानी में कैपिटल हस्पिटाल एम्स सेन्ट्राल रेलवे हस्पिटाल समेत समस्त प्राथमिक और गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को मिसाई मोट 26 स्थान में टीकादान टीका नेबाको आधार कार्ड और मोबाइल नंबर बाध्यतामूलक करा जाइछि ऑनलाइन पंजीकरण सहित स्लॉट बुकिंग करथवा व्यक्ति निर्धारित तारीख केन्द्र को जाई टीका नै परिबे बिना पंजीकरण रे टीका दिया जिवो नाही सेबडे सांबादिकों को कोविड जोता घोषणा परे टीकाकरण नै बीएमसी पक्षरु स्वतंत्र व्यवस्था करा जाइछि भुवनेश्वर कटक रोड स्थित यात्री निवास रे स्वतंत्र कैंप करा जाइछि सकाळ 11:00 रु अपराह्न 2:00 मध्ये रे 18 44 वर्ष एवं अपराह्न 3:00 रु 5:00 मध्ये रे 45 वर्ष रु ऊर्ध सांबादिकों को टीका दिया जिवो सांगर आधार कार्ड एवं आई कार्ड नै जिवाकु बीएमसी पक्षरु कह जाइछि। नजर पकेबा परवर्ती खबर पर टीकाकरण को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विजय पाणिग्राही मोट 1500 रु मात्र 256 केन्द्र में टीकादान कर राज्य में मोट 46,220 कोविशील्ड टीका मौजूद रही 3 लक्ष रु अधिक कोवैक्सीन टीका रही 2 दिन भितर आहरी टीका आसवा संभावना रही आहरी अधिक 25 लक्ष टीकापी अर्डर कर राज्य सरकार टीका पहुंचे पुणी सब केन्द्र में टीकाकरण हो सूचना देखते स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विजय पाणिग्राही। कोरोना रे स्वामी मृत्यु पर जीवन हारे नवविवाहिता पत्नी नयागढ़ पुणी आसला अभावनीय घटना ईटामाटी थाना टांगीपाटना साहिर दिलीप कुमार पात्र नवविवाहित पत्नी किछि दिन पूर्वे अंडामान निकोबर फेरिथिले गतकाली कोरोना आक्रांत हो भुवनेश्वर ठारे दिलीप मृत्यु होता खबर पाई दिलीप पत्नी अस्वाभाविक भाव मृत्युवरण करथवा बेले मृत्युर कारण आत्महत्या किंवा हृदघात जनित होता पारे चर्चा होउछि। अन्यपक्ष स्थानीय ईटामाटी थाना पुलिस घटनास्थल में पहुंच अधिक पचराउचरा जारी रखी। सारा देश में दिनक दिन कोरोना काय विस्तार कर चलती आज पुणी 3,68,147 जन आक्रांत चिन्हट होती सेपटे 3,417 जनकर मुंड नीचे कोरोना देश में मोट आक्रांत संख्या 1,59,25,604 पहुंची। अंपक्ष एजावत 2,18,969 जन कोरोना प्राण हर कोरोना संक्रमण में ब्रेक लगे केन्द्र सरकार पक्ष युद्धकालन भित्ति विभिन्न पदक्षेप निजी अम्लजान जोगाण और टीकाकरण को गुरुत्व दिजाई प्रधानमंत्री घन घन बैठक करने सहित देशर विभिन्न स्थान में चिकित्सित होता कोरोना रोगी को किपर समस्त चिकित्सा सुविधा मिल पार से नहीं समीक्षा कर मद पई गला जीवन मद व्यवसायी आक्रमण में युवकों मृत्यु मृतक लक्ष्मी जेना जाजपुर जिला बिंझारपुर स्थित बरई गांव में घटी विभत्स हत्याकांड मद व्यवसायी को केन्द्र कर हत्याकांड घटी जमापड़ अभियुक्त को थाना अटक रखी तदंत जारी रखी पुलिस।
ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସିଥିଲା ମିଟିଂରେ ଆଗରୁ ତ ଆମେ ସବୁ ମାନେ କଲେକ୍ଟର କତୁରୁ ଏବଂ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲୁ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ କହିଲା ଯେ ଗାଁକୁ ଡାକିକି କହିଲା ଯେ ଏଇରକମ ପ୍ରକାର ତୁମେ ମୋତେ 4 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦିଅ କି 3 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ମୁଁ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବି ମୋ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଗାଁବାଲା ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ ଯେ ଇଏ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନା ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ବି କେତେ ଲୋକ ମନା କଲା ଭିତରେ ସେଇ ପାଖରେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ପିଲାଟି ମନା କରିଥିଲା ତାକୁ କହିଲା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇକି ମାରିଦେବି ଆଉ ନହେଲେ ତୋ ଘର ନିଆଁ ନଗେଇଦେବି ତା ସକାଳୁ ତ ଏଇ ଘଟଣା ତାର ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ମାରଧର କରିଛି ଆଉ ସେ ତ କଟକ ଯାଇଥିଲା ଯାଜପୁରକୁ ଗଲା ଯାଜପୁରରୁ କଟକ ଗଲା ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ରାଉରକେଲା ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ମୃତକଙ୍କ ଶବ ରଖି ପରିବାର ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପାନପୋଷ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଲୋକେ ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟପଟେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଥିଲା ଏହା ସହିତ ଯାତାୟାତରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତାର ଖଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି କରୋନା ଭୟ 11 ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ି ରହିଲା ମୃତଦେହ ନିଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶବକୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ହେଉଛନ୍ତି ଛୁଇଁବା ତ ଦୂରର କଥା କେହି ବି ପାଖ ମାଡ଼ିଲେନି ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ସମରଝୋଳ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମର ଡି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କରୋନା ଭୟରେ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ିଲେନି ଶବ ଦୀର୍ଘ 11 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶବ ଉଠାଯାଇ ମଶାଣି ନିଆଯିବା ସହିତ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ହିଞ୍ଜିଳି ବିଡିଓ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଜେନା ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ମୃତଦେହ ନେବା ସହିତ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କରୋନା କାଳରେ ଅସହାୟଙ୍କ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ଘରକୁ ଘର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତେବେ ମାନଝରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଗରିବ ଅସହାୟ ଓ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ଡୁଡୁକେଲ ଗାଁର ବିନ୍ଦୁ ମହାନନ୍ଦ ନିଜେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରି ନିଜର କିଛି ସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ସେବା ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ପଛୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଆମର ମାଞ୍ଝରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୁମ୍ରା ଗିରୁଣ୍ଡୁଲ ଡୁଡ଼କେଲ କାନ୍ଦୁଲନଗରୀ ମାଞ୍ଝରୀ 5ଟି ଗ୍ରାମକୁ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲି ଯେ ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ଅତି ଗରିବ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅତି ଗରିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତି କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘର ଘରକୁ ଗୋଟେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକରି ମୋର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏକ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିକରି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜରିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆମେ 4 ଦିନ ହେଲା ଘର ଘରକୁ ଯାଇକି ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ ଏ ବାବା ମାନେ ଦଉଛତ୍ ବୁଆ ରାଲି ବାଟି କରି ଆଣି ଦଉଛତ୍ ଯେ ଆମେ ଖୋଉଛୁ ଆମର ଲୁଟ୍ ଲୁଟ୍ ଥୁର୍ ଥୁର୍ ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ ନେଇ ଉସକବାର ନା ହଏ ଲଡ଼ ଲଡ଼ ଥର ଥର ହଉଛି ଏ ଡୁଡ଼କୋଲି ବାବା ମାନେ ଆମକେ ଆଣି ଦଉଛତ୍ ହଏ 4 ଦିନ ହେଲା ନା ଦଉଛତ୍ ବାବା ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଲା କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଥରିଟିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଏଫଓ ବିଶ୍ୱରାଜ ପଣ୍ଡା COVID-19କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗାମୀ ଅର୍ଡର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚିତ୍ରପୁର ଓ ଚାନ୍ଦିପୁର ଇକୋ ଟୁରିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗାଁର ଦିଲ୍ଲୀ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜ ଘର ବାଡ଼ି ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉଦଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି
सरुनी विस्थापित दुख गोटेपटे घर निर्माण कार्य शेष हो पारे अंपटे मुंदाए पीवा पापाई डहल विकल होते लोके दृश्य देखा मिली केन्दुझर जिला पितानाउ ग्राम से हदगड़ अभयारण्यर पितानाउ ग्राम 94 परिवार विस्थापित होती प्रशासन पक्षर से झंझुणा ठारे थैथान कर प्रथम प्रशासन पक्ष झुंपुड़ी घर निर्माण कर विस्थापन कर 88 परिवार को आवास योजन घर जोगाई दी जाएगी लोक मैंने निजस् उद्यम घर निर्माण सामग्री जोगाड़ कर घर कम करछन्ति किंतु पानी पे समस्या देखा दैछि एठारे पानी रो कोनसी सुविधा नाही फले लोके माने टैंकर चके पानी किनी आनी घर कर घरे व्यवहार करछन्ति गोटे उठे टैंकर पानी को से माने 800 टंका दे किणुछन्ति याकु ने विस्थापितक मधेरे असंतोष देखा दैछि एपरी की किछि घर निर्माण काम केते कांसरे सरितले मते प्रशासन पक्षर से प्रथम किस्ती अनुदान जोगाई दिया जानुथवा अभियोग होइछि घर कम आगे नेबारे समस्या उपजुछि ए समस्यार तुरंत समाधान करबाकु से माने दाबी करछन्ति नाही नाही रो गाँ पिपिली झिंकिरी माळ ना गाँ को अच्छी जातायात पाई रास्ता सुविधा ना अंगनवाड़ी ना विद्यालय राजधानी ठारु मात्र कई किलोमीटर रही गाँव में विकास कौन ए पर्यंत जापार ना लोके योजना बाटबणा होता बेले भोट बेले प्रतिश्रुतिर पहाड़ छिड़ा कर नेता प्रतिश्रुति पलटि पाणी रकार पिपिली देखा ए रिपोर्ट विकास बहुदूर पुरी जिला पिपिलीर झिंकिरीमाळ गाँ 300 ऊर्ध लोक बसवास करुथिले मध्य गाँ को भल रास्ता टीए ना शिक्षा स्वास्थ्य कथा न कहिबा भल ना अच्छी अंगनवाड़ी केन्द्र ना विद्यालय 2-4 किमी चली चली पाठ पढ़ा जाऊँच छात्र छात्री या छड़ा 300 लोकों पीवाई गोटे मात्र नलकूप गाँवर अधिकांश लोकों झाटीमाटी पलिथिन झुंपुड़ी घरे बीतुची जीवन गाँवर अवस्था बयान करुछि ए अंचल केते विकास आम मटिक दुआसिया करूँ छाती छुआ तो पढ़िया को हईराण है पाणिका दुआ जावासिया कर घर 4-4 रोहत आहुत असुविधा हो जहाँ जहाँ कहलु से कहीं शुणिले असुविधा तो छुआ पाठ पढ़ा अंगनवाड़ी खंड ना एठ 2 किलोमीटर गले छुआ नहीं पाठ पढ़े पानी जल आज्ञा कौटी ना बड़ असुविधा सेपटे बुड़ी जा बंध बुड़ी जाऊँगी अंटा पानी लोक छुआ जावासिया कर भारी हईरा आजा कौन प्रशासन तो यही भोट इलेक्शन बेले आहुँ आम भी ब्लक 2-4 गला कहीकि रास्ता करदे कहते हम हब हम कहते हो केवल से नुहे वर्ष वर्ष धरी मटी रास्त जातायात करुवा बेले बर्षा दिने नहीं नसुविधार सम्मुखीन होती ग्रामवासी गरीबों सुविधापी अनेक योजना मान कर राज्य सरकार हेले सबु सरकारी सुविधारु वंचित ग्रामवासी विकास नहीं बारंबार प्रतिश्रुति मिलुथिले मध्य निर्वाचन परे ता प्रतारणा पलटि जाए बोली ग्रामवासी कहिसंथि समस्त कहुसंथि आमे करि देबु किंतु वोट सहिला आ जमा आसुनांथि कि करनांथि एमती एबे इलेक्शन बा इलेक्शन आसी कहते हाँ आम करदेबू तुम आग इलेक्शन भोट दे सार सी तो कही कर चलीगले इलेक्शन सर निर्वाचन पर निर्वाचन देखुं झिंकिरीमाळ गाँव लोके निर्वाचन समय प्रतिश्रुति वर्षा हुए पर प्रतारणा पलटि जाए प्रतिश्रुति आगक उपनिर्वाचन पर झिंकिरीमाळ गाँव विकास हेबो ना पुणी प्रतिश्रुति केवल कथार रही पुरी जिला पिपिलीरु दुर्गामाधव पर्डा रिपोर्ट अर्गस न्यूज स्वाधीनतार दीर्घ वर्ष पर विकास छाई पड़ना गाँव पर शिक्षा स्वास्थ्य बिजुली गमनागमन और पानीय जल एटी विपर्यस्त यही नाही नाहीर गाँ हो नवरंगपुर जिला पापड़ाहांडी ब्लॉक डुमुगुड़ा गाँ समस्त मौलिक सुविधा वंचित हो अभिशप्त जीवन बिताऊ ग्रामवासी देखिए रिपोर्ट जंगल पहाड़ घेर बीतुची जीवन ना पा ना रास्ता ना रहिबाकु अछि खंडे भल घर एमानक अवस्था सरकारी योजना को उपहास करे एहुचे नवरंगपुर जिला डुमुगुड़ा गाँ गाँ को जीवाकु हेले 5 किलोमीटर पहाड़िया रास्ता अतिक्रम करबाकु पड़े दुई चकिया छाड़ी देले 4 चकिया गाड़ी गड़ीबा पूरा स्वप्न वर्षा दिने तो यातायात कथा न कहिले भल रोगी एठारे खटिया स्ट्रेचर रे बुहा हुए प्राय 50 वर्षर पुरुणा गाँव में
30 ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଓ 200 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମହିଳାମାନେ ଗାଁଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଝରଣା ପାଣି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ନଳକୂପ ବି ନାହିଁ, ଆସେ ଯେ ପାଣି ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ସେ ପାଣି ନଳର ପାଣି ଖାଇଉଛେ, କାଦ ପାଣି, କାହାକୁ ପେଟ ଦୁଆ ଦର୍ଶି, କାହାକୁ ଜର ଦର୍ଶି, ମାରିଲି ଆସି ବୋଇନୁ ବୋଲେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସବାର୍, ଇ କାହା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଦିଆ ବୋଲେ ସେ ଦେବୁ ବୋଲେ ନାଇଁ ଦେବାର। ଆମର ଗାଁ ତାନେ ଘଟେକି ବୋଲି ନଳକୂଅ ଅଛେ, ହାଇତିର ପାଣି ନାଇଁ ଆଇଲା ବୋଲେ ଆମେ ଝୋଲାର ପାଣି ଯାଇକରି ଆଣିବୁ ଅଛୁ, ତେବେ ରୋଗ ବାତ ହେଲେ କାହିଁଟା ହେଲେ କେନ୍ତା କରିବୁ ଆମେ, ଏଇଟା ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦିଆସ ବୋଲତେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଅଛୁ, ଏତିକି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଅଛୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନା ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଫଳରେ 30 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଗଞ୍ଜିଆଖାରି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲାଭଟିଗୁଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏମିତିକି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗାଁର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡୁମୁଗୁଡ଼ାର ରୂପରେଖ ବଦଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ। ଡାକ୍ତର ଭିତରେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆମେ ବୋଇକି ନେଲେ ଏକା ଆମେ ସେଠି ଯାଇପାରୁଛୁ, ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଏକା ସେ ଡାକ୍ତର ଆମର ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ନେବା ବେଳକୁ ସବୁ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଦେବୁ, ରାସ୍ତା ଦେବୁ, ନଳକୂଅ ଦେବୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ନେଇ ସାରିଲା ପରକୁ କିଏ ହେଲେ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ କ'ଣ କରିବୁ, ସରକାରକୁ ଆମେ ଏତିକି କହୁଛୁ ଯେ ସରକାର ହେଲେ କିଛି ଦେଉନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେ ଗାଁକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବି ଏବଂ ସେଠି ସଡ଼କ ବା ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି, ସଡ଼କ ଏବଂ ପାଣି ତିନିଟା ଜିନିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗାଁରେ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ଯାଇଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।